हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमैन, फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो अभी के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग अगर आप वर्क परमिट में अगर आप कनाडा आए हो या आप कनाडा में काम कर रहे हो, देन क्या आप इस वर्क परमिट को एज ए जॉब ऑफर आप यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो क्या होता है दोस्तों, मैंने भी ट्राई किया था, ठीक है। मैंने भी ट्राई किया था कि जब मैं सेकंड टाइम आया था कनाडा 2018 में, तब मैं सोचा था कि चलो पीआर एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैंने जानकारी लेना स्टार्ट किया था, उसके बाद नहीं किया था एनीवे। लाइक नो, आई वाज अ लेजी पर्सन, नहीं किया था। मैं इंडिया में चला गया, देन कोविड के टाइम पे मैंने इंडिया से मैंने पीआर का अप्लाई किया था। तो एनीवे, दैट वाज माय स्टोरी। तो क्या होता है राइट, अगर आप वर्क परमिट में अगर यहाँ पे आते हो तो बेसिकली दो क्वेश्चन होता है लोगों के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या एक साल वेट करना चाहिए, ठीक है। एक साल वेट करोगे तो आपको आप सीईसी क्लास में आप एलिजिबल हो जाओगे और आपका पॉइंट्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक साल वेट करना चाहिए आपको पीआर अप्लाई करने के लिए। द आंसर इज नो, ठीक है। आप कभी भी आते हो कनाडा में, कनाडा में आए हो नहीं आए हो डजंट मैटर, आप अपना एक्सटेंसिटी प्रोफाइल पहले से जितना जल्दी हो सके क्रिएट करके रखो। यू नेवर नो, शायद आप मान लो नोवा स्कोशिया में आ रहे हो, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, आप नोवा स्कोशिया में आ रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च। भी मान लो मार्च मंथ में नोवा स्कोशिया का कोई लाइक नो एक पीएनपी प्रोग्राम निकलने वाला है एज पर लेबर मार्केट नीड्स, एंड एज पर लेबर मार्केट नीड्स दे माइट नीड 2000 पीपल, एंड 2000 पीपल जिन लोगों को चाहिए उन लोगों का जो एनओसी कोड है दैट माइट मैच विथ योर एनओसी कोड। यू नेवर नो राइट, क्योंकि ये जो होता है पहले से डिक्लेयर नहीं होता है। ऑल ऑफ सडन ये 2000 लोगों को इन्विटेशन दे देगा। तो 2000 लोगों को जब इन्विटेशन देगा तो कैसे देता है, बेसिकली कोई भी प्रोविंशियल जो इमिग्रेशन टीम होता है वो आईआरसीसी का जो जो डेटाबेस होता है राइट, सेंट्रल डेटाबेस, उस डेटाबेस में ये लोग फिल्टर करते हैं एज पर द एनओसी कोड एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उन लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट राइट, वो फिल्टर करते हैं उसमें से टॉप 22000 या ऑल द पीपल लाइक नो व्हाटएवर इज देयर नीड, दे जस्ट सेंड इनविटेशन टू ऑलमोस्ट एवरीवन, ओके, इफ दे नीड दोस पीपल। लेकिन क्या आपको पता है एक महीने के बाद नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, या ऑन्टेरियो को क्या जरूरत है, ब्रिटिश कोलंबिया को क्या जरूरत है, अल्बर्टा को क्या जरूरत है, या फिर इतना सारा प्रोविंसेस है राइट, और इन लोगों का कुछ ना कुछ पीएनपी प्रोग्राम निकलता रहता है। तो यू नेवर नो, तो आपको जानने के लिए राइट, हु आर यू, आपको जानने के लिए प्रोविंशियल जो इमिग्रेशन टीम है उसके पास एक ही रास्ता है, दैट इज आईआरसीसी डेटाबेस। एंड आईआरसीसी के डेटाबेस में आपका नाम तभी जाएगा जब आप अपना एक्सटेंसिटी प्रोफाइल क्रिएट करके सबमिट करोगे, ठीक है। डजंट मैटर स्कोर, डजंट मैटर आपका स्कोर अगर 300 भी है, उससे भी अगर नीचे है, डजंट मैटर, आप अप्लाई करके रखो, क्योंकि इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होता है। एक्सटेंसिटी का प्रोफाइल आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको बस IELTS पास करना होता है, आपका ECA कंप्लीट करना होता है राइट, वो करके आप एक्सटेंसिटी प्रोफाइल क्रिएट करके रखो। उसके बाद आप कनाडा ट्रैवल करो, कनाडा आ गए हो, डजंट मैटर जो भी वॉट एवर इज योर स्टेटस। मान लो आप कनाडा में 6 महीने से आप काम कर रहे हो, अभी तक आपने एक्सटेंसिटी का प्रोफाइल नहीं बनाया, दोस्तों एक गलती मत कीजिए, प्रोफाइल बना के रख दीजिए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एक भी पैसा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्रोफाइल बनाने के लिए। तो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, कि अगर आप कनाडा में ऑलरेडी आए हो देन यू डोंट नीड टू वेट फॉर सर्टेन टाइम, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, आप बस प्रोफाइल बना के रख दो। द सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप कनाडा में हो, ठीक है, एक्सपेंसिटी प्रोफाइल जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव अ जॉब ऑफर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है कि व्हाट इज जॉब ऑफर, ठीक है, जॉब ऑफर किसको बोलता है। आप कनाडा में वर्क परमिट में काम कर रहे हो, दैट इज नॉट योर जॉब ऑफर, ओके, दैट इज आप वर्क परमिट में आए हो, आप क्लोज वर्क परमिट में आए हो और आप उसी कंपनी के होकर काम करोगे, बट वो कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कब तक रखेगा। अगर उस कंपनी का मान लो वो प्रोजेक्ट अगर स्क्रैप हो जाता है, देन दैट कंपनी आपको सेकेंड डे आपको घर वापस कर देगा, इंडिया वापस भेज देगा, या जो भी आपका कंट्री है आपको आपके कंट्री में वापस कर देगा राइट। सो दैट इज नॉट अ जॉब ऑफर, बी माइंडफुल व्हाट इज जॉब ऑफर। एज पर आईआरसीसी रिक्वायरमेंट, जॉब ऑफर वही होता है कि जहाँ पे आपके पास ऐसा कोई लेटर हो या ऐसा एश्योरेंस हो कि आपको पीआर मिलने के बाद भी आप उस कंपनी में एक साल या सर्टेन टाइम तक आप काम करोगे, आपका काम गारंटी है,
ऐसा नहीं है कि आईएसएससी ने आपको इनविटेशन दे दिया, आपको आपको पीआर दे दिया, उसके बाद उस कंपनी ने आपको काम से निकल दिया. दैट इज नॉट अ केस, दैट इज नॉट अ जॉब ऑफर. ओके, वो जॉब ऑफर नहीं है. जॉब ऑफर के लिए जो भी पॉइंट्स 50 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो आप यूज नहीं कर सकते हो अनलेस यू हैव समथिंग रिटन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. अभी क्या होता है, कोई कोई लोगों का देखो अपने कंपनी में एक जुगाड़ होता है, राइट, जुगाड़. आपके सुपरवाइजर हो गया या एचआर हो गया, जो भी हो, अगर आप अगर उनसे वो ईमेल पे ले सकते हो, राइट. देखो ऐसा होता है, राइट, आप मान लो डेपुटेशन पे कनाडा में आए हो 3 साल के लिए या 4 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो आपका जो प्रोजेक्ट है मे बी दैट इज अ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, लाइक नो 2 साल तक आप हो, आपका पोजिशन आपका है कन्फर्म. तो अगर ऐसा है देन यू कैन टेक अ लाइक नो ईमेल, ऑफिशियल ईमेल फ्रॉम योर सुपरवाइजर और फ्रॉम योर एचआर कि आप पीआर अप्लाई कर रहे हो, एंड पीआर अप्लाई करने के बाद भी आपको 1 साल तक या 2 साल तक जो भी है, राइट, आपका आपको आपका वो प्रोजेक्ट में आपका रिक्वायरमेंट रहेगा. ठीक है, अगर ऐसा ले सकते हो देन दैट्स अ जॉब ऑफर, आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, एज अ 50 पॉइंट आप ले सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, राइट, देन दैट इज नॉट अ जॉब ऑफर. ठीक है, तो आप जब आईआरसीटीसी का जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसमें आपको नो आपको सिलेक्ट करना होगा कि डू यू हैव अ जॉब ऑफर. नो, आई डोंट हैव अ जॉब ऑफर, आई एम वर्किंग इन कनाडा ऑन क्लोज्ड वर्क परमिट, बट दैट इज नॉट अ जॉब ऑफर. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी मुझे वापस भेज सकता है अगर प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया तो. ओके, सो बी माइंडफुल, क्योंकि आपने मान लो 50 पॉइंट्स के लिए आपने वो यस करके भेज दिया. ठीक है, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और आपके पास इनविटेशन आ गया, आपने आपको जब आपसे जब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जब आप जो डॉक्यूमेंट दोगे, डेपुटेशन लेटर इज नॉट अ ऑफर लेटर. ओके, आई मीन इट्स नॉट अ जॉब ऑफर. डेपुटेशन लेटर है कि आप मान लो इंडिया में एम्प्लॉयड हो या किसी भी कंट्री में आप एम्प्लॉयड हो, वो कंपनी आपको टेम्पोररी फेस के लिए आपको एक जगह पे भेज रहा है फॉर व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट इज, दैट इज अ डेपुटेशन लेटर. That is not a permanent offer, right? That is not a. अब ऐसा नहीं है कि वो कंपनी जिंदगी भर के लिए आपको यहाँ पे भेज रहा है, ऐसा नहीं है. वो कंपनी आपको एक stipulated time, 1 साल या 2 साल के लिए आपको भेज रहा है, क्योंकि वहाँ पे उस स्किल सेट का जरूरत है और उस स्किल सेट में उस लोकल मार्केट में कोई बंदा अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई कंपनी आपको भेज रहा है. देखिए इसका बहुत लीगल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी है तो किसी को भी भेज सकता है, ऐसा नहीं है. उसको भेजने के लिए भी यहाँ पे लेबर मार्केट असेसमेंट होना जरूरी है, आपका जो भी जॉब कोड है, जो भी NOC कोड है, राइट. मुद्दे की बात है कि उस टाइम पे मार्केट में उस स्किल का रिसोर्स इस कंपनी को नहीं मिल रहा है, इसलिए दूसरे कंट्री से वो आपको यहाँ पे ला रहा है. दैट इज डेपुटेशन लेटर, बट दैट इज नॉट अ जॉब ऑफर लेटर. ओके, वो ऑफर आप 50 पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते हो, बी माइंडफुल. कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी ईमेल हो या आपके पास रिटर्न में अगर कुछ है, तो कि आपको पीआर मिल जाने के बाद, मतलब पीआर अप्रूव होने के बाद आप 1 साल तक मिनिमम उस कंपनी में रहोगे. ठीक है, दैट इज अ एश्योरेंस फ्रॉम कंपनी साइड. अगर ऐसा है देन यू कैन यूज दैट एज अ जॉब ऑफर एंड यू कैन यूटिलाइज दैट 50 पॉइंट्स, अदरवाइज नो, डोंट यूज दैट. मैंने ऐसा बहुत सारा केस देखा दोस्तों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ. कनाडा में मैंने ऐसा बहुत सारा मैंने केस देखा जहाँ पे डेपुटेशन लेटर दे के लोगों ने जॉब ऑफर को यस किया एंड जब सबमिट किया डॉक्यूमेंट तब उन लोगों का प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि 50 पॉइंट्स दे आर नॉट एलिजिबल एंड उन लोगों ने अप्लाई किया, दे आर नॉट एलिजिबल एज पर ISCC एंड उन लोगों का प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया. ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि डेपुटेशन लेटर दिया, साथ में मेल दे दिया कि वो 1 साल भी काम करेगा, राइट, जैसे मैंने बोला, और उन लोगों का केस अप्रूव हो गया. तो दो है, दो केसेस मैंने आपको बोल दिया. आपका केस अप्रूव भी हो सकता है, आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है. रिजेक्ट होने का चांसेस 90% है अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो. लेकिन अगर आपका सुपरवाइजर या एचआर से विद देयर सिग्नेचर इन दैट मेल, दैट सिग्नेचर शुड बी देयर, राइट, उसका डेजिग्नेशन, उसका फोन नंबर जो भी है, राइट, वो होना चाहिए. अगर वो होता है देन यू आर गुड. ठीक है, तो दैट इज लाइक नो एक छोटा सा वीडियो मैं देना चाह रहा था ताकि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन हो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो. और एक बात है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि CEC क्लास में एलिजिबल होने के लिए आपको 1 साल कनाडा में काम करने की ज़रूरत है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम क्रिएटिंग योर एक्सप्रेसेंटी प्रोफाइल. कनाडा में आ जाने के बाद Day 1 में भी आप अपना जो भी लाइक नो PR एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हो. वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कनाडा में हो तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज अप टू यू. सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे. छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ. अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को है तो यू गाइस कैन शूट मी अ क्वेश्चन. एंड अगर अच्छा लगे तो गिव अस अ थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारा वीडियोज में लेके आने वाला हूँ रिगार्डिंग कनाडा.
टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.